तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन। कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझे 30 से 50 हज़ार रुपये के बीच में अच्छे कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन बताइए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 हज़ार रुपये से लेकर आप लोगों को बताने वाला हूँ 50 हज़ार रुपये के अंडर फ़ोन जो कि कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ये कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की डेली वीडियोस के लिए। और हाँ, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है हमारे जार ऐप ने। किसने सोचा था कि अपने चिल्लर से सोना खरीद सकते हो? क्यों चौंक गए? ये पॉसिबल है जार के साथ। जार ऐप आपके ट्रांजेक्शन में बचे हुए चिल्लर को खुद डेबिट कर लेता है और उसको सोने में बदल देता है। आपके हर ट्रांजेक्शन पे गेम्स अनलॉक होते हैं जिससे आपको अपने पैसे डबल करने का चांस मिलता है। आपकी सेविंग्स बैंक के लॉकर में रखी जाती है और इन बैंक्स के द्वारा इंश्योरेंस भी किया जाता है, यानी पूरी सुरक्षा। अर्जेंट कैश की जरूरत है, फिकर नॉट। आप जब चाहे तब अपने सेविंग को सीधा अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। गिफ्ट देना है पर समझ में नहीं आ रहा है क्या दूं? जार ऐप की मदद से आप किसी को भी एक मिनट के अंदर सोना गिफ्ट कर सकते हैं, वरना सीधा अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं मुफ्त में। 500 रुपए या उससे ज्यादा रुपए के खरीद पे 3% का अतिरिक्त पाएं। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 45 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट बन जाता है और सिर्फ 1 रुपए से अपनी सेविंग शुरू कर सकते हैं। KYC की कोई जरूरत नहीं है, अभी शुरू करें एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। पाए 50 रुपए का सोना बिल्कुल मुफ्त। अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी सेविंग शुरू कीजिए। लिंक एंड प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम अपने चौथे स्मार्टफोन से। चौथा स्मार्टफोन हमारा निकल कर आता है जो कि है ओप्पो रेनो 4 प्रो। ये फोन बहुत ही जबरदस्त है। इस फोन में आपको कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है और ये कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन है जो आपको 30,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। तो अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है जो कि एक ओक्टा कोर 3.6 GHz का आप लोगों का प्रोसेसर है, जिसमें आप लोगों को 8 GB रैम मिलती है और आप लोगों को इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। जहां पर आप लोगों को इस फोन में जो डिस्प्ले मिलती है वो एमोलेड होती है 6.5 इंचेस की, जहां पर फुल HD डिस्प्ले होती है, 40 PPI डेंसिटी, 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन और बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले होती है आप लोगों की ये, जो कि डिस्प्ले बहुत ही ऑसम होती है। कर्व डिस्प्ले होती है तो देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है फोन। कैमरे की अगर बात करें तो इस फोन में आप लोगों को बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। 48 MP का रियर में कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का माइक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 4 कैमरे आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो इस फोन में आप लोगों को 32 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस फोन में आप लोगों को फुल HD आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक। और अगर बात करें इस फ़ोन के बैटरी की, तो इस फोन में आप लोगों को 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 65 W का आप लोगों को वॉक चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपका फ़ोन आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा। USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है, जहां पर 2 नैनो SIM लगाने के लिए आप लोगों को सिम इजेक्टर मिल जाता है और वो बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस की, तो ये फोन आप लोगों को मिल जाता है अमेजोन पर 29,990 रुपए की, जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख पाएंगे इस फोन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यहां पर अपने तीसरे स्मार्टफोन की, जो कि आता है ओप्पो रेनो 5 प्रो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन है और ये फ्री फ़ोन आप लोगों को मिल जाता है 30 से 35 हज़ार रुपये की कीमत। को ओक्टा कोर 2.6 GHz की स्पीड देता है, जहां पर आप लोगों को 8 GB रैम मिल जाती है और आप लोगों को इस फ़ोन में 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वेरिएंट आप लोगों को और भी मिल जाएंगे इस फोन में, लेकिन जो कीमत में मिल रहा है वही कीमत का वेरिएंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बात करें अगर इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन में आप लोगों को 6.55 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। फुल HD डिस्प्ले होती है, कर्व डिस्प्ले होती है, जहाँ पर बेजल लेस होती है आप लोगों की विद पंच होल डिस्प्ले। देखने में डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगती है, फोन देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। कैमरे की अगर बात करें, तो इस फोन में आप लोगों को 64 MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है,
2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा देखने को मिलता है, जहां पर आप इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो इस फोन में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक। इस फोन में आप लोगों को 4550 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है, जहां पर USB Type-C पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर बात करें इस फोन की, तो ये फोन आप लोगों को 35,000 रुपये की कीमत में मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फोन है। 35,000 रुपये की कीमत में आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर बड़ा ही ज़बरदस्त है, 7nm पर आधारित है, और ये प्रोसेसर आप लोगों का पावरफुल एंड एफिशिएंट है। गेमिंग वगैरह करना हो तो बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है। आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, कर्व डिस्प्ले वाला फोन है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने दूसरे नंबर के फोन की। दूसरे नंबर पे हमारा जो फोन निकल कर आता है वो है Vivo का X70 Pro। जी हाँ दोस्तों, Vivo X70 Pro आप लोगों को बड़ी ही अच्छी स्पेक्स के साथ मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को कमाल की परफॉर्मेंस मिल जाती है, कैमरा परफॉर्मेंस बड़ी ही लाजवाब मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। इस फोन की अगर परफॉर्मेंस की बात की तो इसमें आप लोगों को MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6nm पर आधारित बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसमें आपको 3 GHz की स्पीड मिलती है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर होता है, जिसमें आपका ये प्रोसेसर जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है और 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। अगर बात करें इस फ़ोन की रैम मैनेजमेंट की, तो इसमें आपको 8GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.56 inches की आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है, और यहाँ पर बेजल लेस आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ़ोन देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है आप लोगों को। और अगर बात करें यहाँ पर कैमरे की, तो इस फोन में आप लोगों को 50MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 12MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और 12MP का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट फोटो लेने के लिए। 8MP का आप लोगों को 60 डिजिटल जूम आप लोगों को, और अप टू 5x ऑप्टिकल जूम देने के लिए 8MP का कैमरा लगाया गया है, जहाँ पर आप इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक। यहाँ पर अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर 32MP का वाइड एंगल लेंस यूज़ किया गया है स्क्रीन फ्लैश के साथ, जहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 FPS तक फ्रंट से भी। बात करें अगर इस फोन के बैटरी की, तो इस फोन में आप लोगों को 4450mAh की बड़ी बैटरी और 44W का आप लोगों को फ्लैश चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर USB Type-C पोर्ट भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो फोन बड़ा ही कमाल का ये फोन है। इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक में मिल रही है, कैमरा परफॉर्मेंस बड़ा ही लाजवाब मिल रहा है, 60x तक आप जूमिंग इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फोन से आप आराम से इस फोन को यूज कर सकते हैं। बड़ा ही ऑसम फोन निकल कर आता है, कैमरा के मामले और डिस्प्ले के मामले में बड़ा ही ऑसम फोन है। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले और ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये फोन आप लोगों को पड़ता है 46,000 रुपये की कीमत में। आप इस फोन को बाय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन की, जो कि आता है ओप्पो रेनो 6 प्रो। इस फोन का कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, इस फोन की आप लोगों को परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है, इस फोन में आप लोगों को कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, तो फोन बहुत ही अच्छा निकल कर आ जाता है। चौथी चीज़ यह है कि इस फोन की प्राइस भी अच्छी है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। रेनो 6 प्रो की अगर बात करें तो MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर मिलता है, वही प्रोसेसर 6nm पर आधारित, जहाँ पर आप लोगों को 12GB रैम मिल जाती है इस फोन में, जिसमें आपको 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ इस फोन की अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.55 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन और बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इस फोन के अगर कैमरे की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को 64MP का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 20x डिजिटल जूम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा भी मिलता है, और 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 2MP का माइक्रो और 2MP का मोनो कैमरा देखने को मिलता है, 4MP का आप लोगों को वीडियो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 FPS तक। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो 32MP का आप लोगों को फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है, और फुल HD 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस फोन में आप लोगों को 4500mAh की बड़ी बैटरी, 65W का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। अब अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें Vivo का X70 Pro की और Oppo Reno 6 Pro की, तो आपको ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। प्रोसेसर आप लोगों को सेम मिल रहा है, डिस्प्ले आप लोगों को सेम मिल रही है। आप लोगों को इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिलती है Oppo Reno 6 Pro में। बाकी इसका कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, दोनों ही का कैमरा परफॉर्मेंस लाजवाब है। इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी ज़्यादा मिल रहा है।
उसमें आपको 44 वॉट मिल रही है, इसमें आपको 65 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है। और अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें, तो ये फ़ोन आप लोगों को मिल जाता है 38,990 रुपए की कीमत में, यानी कि आपको 39,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है, जो कि कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन है और ज़बरदस्त कैमरा स्मार्टफोन है। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि ये चारों फ़ोन मैं आप लोगों को बताऊं। तो आप लोगों को ये चारों फ़ोन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं, या फिर अभी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली या किसी को भी अगर कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन चाहिए हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।